नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रफुल्ल राज है और मैं आज आपको बताऊंगा कि 2017 की मिस वर्ल्ड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मिस वर्ल्ड 2017 विनर, 17 साल बाद भारत की मानुषी छिल्लर ने जीता मिस वर्ल्ड का ताज। मिस वर्ल्ड 2017 विनर मानुषी छिल्लर का जन्म 14 मई 1997 को हुआ था। वह 1966 में पहली बार मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली रीता फारिया को अपना आदर्श मानती हैं। नवंबर 18, 2017 रात के 9:38 भारत ने 2017 का मिस वर्ल्ड खिताब अपने नाम किया है। शनिवार को हरियाणा के झज्जर मानुषी छिल्लर मिस वर्ल्ड बनी। यह प्रतियोगिता चीन में आयोजित हुई जिसमें 118 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। भारत ने ऐसा कर छठी बार यह खिताब अपने नाम किया है। मिस वर्ल्ड 2017 विनर मानुषी छिल्लर, भारत की मानुषी छिल्लर ने 17 साल बाद मिस वर्ल्ड का खिताब जीत लिया है। चीन के सानिया शहर में आयोजित मिस वर्ल्ड 2017 कॉम्पिटिशन में हरियाणा की रहने वाली मिस इंडिया मानुषी छिल्लर ने मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया। भारत के लिए साल 1966 में पहली बार रीता फारिया ने मिस वर्ल्ड खिताब जीता था। इसके बाद साल 1994 में ऐश्वर्या राय, 1997 में डायना हेडन, 1999 में युक्ता मुखी और साल 2000 में प्रियंका चोपड़ा ने यह खिताब अपने नाम किया। अब 17 साल बाद मानुषी छिल्लर मिस वर्ल्ड 2017 बनी है। मानुषी के पिता मित्रप्सु पेशे से साइंटिस्ट हैं, जो फिलहाल डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO में काम कर रहे हैं। उनकी माँ नीलम दिल्ली के इतिहास में डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोकेमिस्ट्री की हेड है। मानुषी छिल्लर का जन्म 14 मई 1997 को हुआ था। वह 1966 में पहली बार मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली रीता फारिया को अपना आदर्श मानती हैं। इस कंपटीशन में पहली रनअप मिस इंग्लैंड स्टेफनी हिल रही, जबकि सेकंड रनअप पर मिस मेक्सिको एंड्रिया मेजा ने कब्जा जमाया। इन दोनों के साथ मानुषी का करीबी मुकाबला था, लेकिन अंत में ताज मानुषी के सिर आया। मानुषी को इसी साल 25 जून को फेमिना मिस इंडिया के खिताब से नवाजा गया था। वह भारत के लिए मिस वर्ल्ड खिताब जीतने वाली छठी महिला है। मानुषी ने दिल्ली के सेंट थॉमस स्कूल से पढ़ाई की है और वह फिलहाल सोनीपत के भगत फूल सिंह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फॉर विमेन से मेडिकल की पढ़ाई कर रही हैं। वह एक प्रशिक्षित कुचिपुड़ी डांसर भी हैं। उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी भाग लिया है।